नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखा जाए तो समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि उपचुनाव में भी उनकी यहां पर वापसी हो सके। और ऐसे में देखा जा रहा है अब समाजवादी पार्टी ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, तमाम यहां पर राजनीतिक पार्टियां जो है मैदान में उतरती भी नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो सूबे में सरकार वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सुस्त पड़ी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खासा तैयारियां नहीं की जा रही है, मीटिंग्स नहीं की जा रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर आजाद तमाम यहां पर रणनीतियां बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है अपनी यहां पर कहीं ना कहीं उपचुनाव वाली सीटों पर प्रभारी भी घोषित करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर देखा जा रहा है कि कैंपेन को लेकर भी तैयारियां की जा रही है, किस तरीके से कैंपेन होना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार होना है, तमाम चीजों पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में फिलहाल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन उस स्थिति को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन 10 सीटों में से कुछ सीटें भी यहां पर अगर निकाल ले तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि देखा जा रहा है सूबे में सरकार होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही उनके खिलाफ यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, संगठन को सरकार से बड़ा बताते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखा गया है हाल ही में जिस तरीके से सोनम किन्नर ने यहां पर इस्तीफा दिया है, राज्य मंत्री हैं यूपी सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं समर्थन करती हुई नजर आ रही है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य का, वो भी संगठन को ही बड़ा बताती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है संगठन और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक तनातनी का माहौल जारी है। और ऐसे में देखना ये होगा कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को बचा पाते हैं और आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने, उससे पहले कहीं ये सरकार गिरती हुई तो नजर नहीं है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं कुर्सी से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे। और देखा जाए तो हाल ही में एक आदेश उत्तर प्रदेश में जारी किया गया सरकार के द्वारा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान, जो कि सावन महीने में कांवड़ यात्रा चलती है, उसके दौरान यहां पर अब फल और सब्जी विक्रेता जो भी होंगे, जो भी सामान यहां पर सामान के विक्रेता हैं, उनको अपनी दुकानों के आगे अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा ताकि उससे पहचान की जा सके कि कौन सा सब्जी विक्रेता हिंदू है, कौन सा मुस्लिम है, तमाम ऐसी चीजें की जा रही हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है इस फैसले के बावजूद भी यहां पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार और भी ज्यादा गिरती हुई नजर आ रही है। और यहां पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यहां पर उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। जयंत चौधरी जो कि NDA गठबंधन के माध्यम से यहां पर राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते हैं, सीएम अखिलेश यादव घेरते हुए नजर आते हैं और JDU के नेता KC त्यागी भी यहां पर बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। तो अब समझा ये जा रहा है कि आने वाले समय से पहले लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है, तमाम ये उनके फैसले भी कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया कांवड़ यात्रा को लेकर, और ऐसे में अब देखा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाना भारी पड़ रहा है, क्या केशव प्रसाद मौर्य यहां पर डिप्टी सीएम जो है वो कहीं ना कहीं सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, या फिर अब देखा जा रहा है जिस तरीके से स्थिति यहां पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर कलह की देखी जा रही है, तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इस्तीफा दे देंगे, क्या कुछ लगता है शाह मनीष? उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम निर्णय लेती दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोच विचार कर किसी भी तरीके का आदेश जो है वो जारी करना चाहिए यहाँ पर। अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में ये बड़ा आदेश जारी कर दिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में जितने भी दुकानें वगैरह पड़ेंगी वहां पर उन सभी दुकानदारों को अपने आगे दुकान के आगे नेम प्लेट लगवानी पड़ेगी, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार आप कौन सी दुकान से और किसकी दुकान से क्या सामान खरीद रहे हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बीते लोकसभा चुनाव में और पहले से ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप धर्म को लेकर राजनीति करेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में भी आप हाथ धोते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर खुद ही सीएम योगी आदित्यनाथ का विरोध
करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए, डिप्टी सीएम है वो, और ऐसे में अगर वो बागेश्वर अपना रहे हैं तो उनका अपनाना बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि इससे पहले भी देखा जा चुका है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से पहले भी बहसबाजी कर चुके हैं, उनकी नोकझोंक हो चुकी है, इसके चलते कि सीएम उनको अपना था। तो अब जिस प्रकार से ये सारे मुद्दे उठ रहे हैं, जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हार का पूरा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जो ऑफर निकाल देते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर उनकी तरफ से ऑफर है कि जो 100 विधायक लाएगा वो अपनी सरकार बनाएगा, इस तरीके के ऑफर वो दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि वो इस तरीके की अगर कोई पोस्ट वगैरह करते हैं या बयान देते हैं तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ सकती है, और वो पूरा फूट डालने का कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही भड़क रहे हैं। यहाँ पर जयंत चौधरी की बात कर ली जाए तो उनके भी जो RLD के जो नेता है वो तमाम यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो आदेश जारी किया गया है उसका विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। मायावती विरोध कर रही है, ये कह सकते हैं आप कि विपक्षी पार्टियां तो विरोध कर ही रही है, यहाँ पर खुद के दल जो है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, NDA से जुड़े हैं, वो भी अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे। तो आप ये देख सकते हैं मनीष कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो खेल बन चुका है वो ही अपना बना बनाया खेल खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ने में लगी हुई है। जी बिल्कुल, तो अब भारतीय जनता पार्टी अपना खेल बिगाड़ने में लगी हुई है, और आने वाले समय में जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव की सीटों से हाथ धो बैठेगी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का माहौल है उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी जैसे बड़े नेता, RLD प्रमुख जो कि राज्य मंत्री बनाए गए केंद्र सरकार में, वो भी अगर यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, अपने समर्थित दल ही यहाँ पर NDA के बयानबाजी कर रहे हैं, तो वाकई यहाँ पर अब मुश्किल यहाँ पर सरकार के लिए खड़ी होती नजर आ रही है। और ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा? और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरीके से फैसले से यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लोगों को आहत किया गया है, हिंदू धर्म के लोगों को आहत किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम नेता यहाँ पर इस बयान का पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर आप पहले भी राजनीति कर चुके हैं और उसी धर्म विशेष को लेकर आप फिर दोबारा से राजनीति करेंगे। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में परिणाम देखा गया, फैजाबाद लोकसभा सीट से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हारते हुए नजर आए, अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से जीतते हुए नजर आए। तो आने वाले समय में जिस तरीके से अब उपचुनाव को लेकर रणनीतियां तमाम राजनीतिक पार्टियां बना रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती भी नजर आ रही है। लेकिन शालिनी, अब एक छोटा सा सवाल ये रहेगा कि आने वाले समय में क्या वाकई यहाँ पर अगर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कुर्सी से हाथ धो बैठते हैं विधानसभा चुनाव 2027 से पहले, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सा ऐसा चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो सीएम पद पर विराजमान होता हुआ नजर आएगा? मनीष, मेरा मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी ऐसा कोई मजबूत चेहरा नहीं है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री की गद्दी को संभाल सके। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर अभी इस समय मुख्यमंत्री हैं तो कहीं ना कहीं उनमें वो बात है जिसके बाद ही वो यहाँ पर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की गद्दी से हटाया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करती हुई आ रही है वो हार का सामना करती हुई दिखाई दे सकती है। आने वाले उपचुनावों में जो उपचुनाव होने वाले हैं उन पर भी हार का सामना हो सकता है, और यहाँ पर जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अखिलेश यादव से हार का सामना इसलिए भी करना पड़ सकता है क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का प्रदर्शन काफी ज्यादा बेहतर था, इतना बेहतर था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या को लेकर बड़े दावे कर रही थी कि यहाँ पर उनकी जीत पक्की है तो अयोध्या से ही वो हार जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए और सीएम योगी आदित्यनाथ पर इस हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि सीएम योगी आदित्य सिर्फ एक व्यक्ति के कारण से अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में हार का सामना करते हैं तो ये गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति से नहीं, यहाँ पर सबके साथ मिलकर ही जीत हासिल होती है। तो अगर हार भी हुई है तो यहाँ पर हर किसी की कोई ना कोई गलती जरूर होगी जिसके बाद यहाँ पर हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना। बिल्कुल, तो अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद ठीकरा फोड़ा जा रहा है, वो ठीकरा अगर ना फोड़ा जाए और ऐसे में पार्टी को लेकर काम किया जाए, बैठकें की जाए, समीक्षा बैठक की जाए, जिस तरीके से पार्टी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई, तो उसको लेकर यहाँ पर मुद्दे और नीति जो है अपनी और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और धर्म विशेष को लेकर राजनीति ना ही करे भारतीय जनता पार्टी, तो आने वाले समय में अगर जो गरीबों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बेरोजगारी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आम जनता के जितने भी मुद्दे हैं, अगर उन पर काम कर
करती है भारतीय जनता पार्टी, तो विधानसभा चुनाव तक यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी बची रहेगी और हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई नजर आए, दोबारा से सरकार, या यूं कहें तिबारा से सरकार बनाती हुई नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सूबे के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SBN9।